नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मंजुल मंजरी। इस खास कार्यक्रम में जिसकी पर चर्चा करेंगे, मुद्दा है कि तीसरे फेज में आखिर किसके सर पर ताज सजेगा, आखिर कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिसको वोटर्स यहां चुनेंगे। और आपको बता दें कि आज 82 लोग ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आपको यह भी बता दें कि देश के 14 राज्यों में 116 सीटों पर मतदान हुआ है आज सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक, यानी कि तीसरे चरण की वोटिंग बिहार में खत्म हो गई है। तीसरे चरण में बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्रों में झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, भगगड़िया में मंगलवार को वोटिंग हुई है। इसमें लगभग 60% मतदान हुआ है। इसके साथ ही तीसरे चरण में कुल 82 उम्मीदवारों को जो किस्मत है उनकी ईवीएम में कैद हो गया। मैंने आपको ये बताया भी, इनमें पप्पू यादव, शरद यादव, रंजीत रंजन, दिनेश चंद्र यादव, मुकेश सहनी आदि ऐसे नाम हैं जो प्रमुखता से शामिल है। हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी हैं जो वोट काटने का मादा रखते हैं। कुछ बूथों पर ईवीएम में गड़बड़ी की भी सूचना आई, लेकिन उसे तत्काल ठीक कर दिया गया। हालांकि विपक्ष ने इस मुद्दा जरूर बनाया, वहीं एक दो जगहों पर हंगामा भी हुआ, लेकिन प्रशासन की सतर्कता, यानी कि चुनाव आयोग की सतर्कता कह सकते हैं, कोई बड़ी घटना नहीं घटी और शांतिपूर्ण मतदान, 60% मतदान इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में संपन्न हो गया। 60% मतदान एक उत्साहवर्धक मतदान प्रतिशत कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग की जो कई अनोखी पहल इसमें देखने को मिली है, सखी मतदान केंद्र हो चाहे आदर्श मतदान केंद्र हो, जिसके तहत मतदान केंद्रों पर महिला और बुजुर्ग मतदाताओं को खींचने की कोशिश की गई है। साथ खासकर जो पहले फर्स्ट वोटर्स होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिखे हैं, क्योंकि पहली मरतबा वोट कर रहे हैं तो एक उमंग होती है, एक उत्साह होता है, वह देखने को मिला। हालांकि सुपौल, अररिया में मौसम का मिजाज सुबह में थोड़ा सा गड़बड़ाया था, बारिश हुई थी, तेज हवाएं चल रही थी, इसकी वजह से खलल जरूर पड़ा था, लेकिन वहाँ भी सुपौल अररिया में मतदान जो है 56% मतदान की खबर है। हालांकि मतदान प्रतिशत पिछले लोकसभा चुनाव में काफ़ी ज़्यादा 1-2% ज़्यादा हुआ है, लेकिन यह प्रतिशत जो बढ़ा है इस पर राजनीतिक दल यह कह रहे हैं कि वोटर्स की संख्या बढ़ने की वजह से, जो फर्स्ट वोटर्स हैं, नए वोटर्स जो जुड़े हैं, इसकी वजह से मतदान प्रतिशत बढ़ा है। तो बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र, मिथिलांचल का इलाका, कोसी प्रभावित इलाका, कुशहा त्रासदी को झेलता हुआ इलाका, यह तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो यहाँ पे स्थानीय मुद्दे हैं, बुनियादी समस्याएं हैं। सड़कें तो हैं, लेकिन सड़कों पर पलायन करते लोग हैं जो दूसरे राज्य में जाते हैं नौकरी की तलाश में। नौकरी इसलिए क्योंकि कृषि जनित क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर कृषि जो है अविकसित है, क्योंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है। चलिए, हम यहाँ पर लगातार सुबह 5 बजे से ही आपको पल पल की खबर दिखा रहे थे, पल पल की जानकारी दे रहे थे, और इस पल पल की जानकारी में हमारे साथ हमारी टीम मौजूद थी, और इस खास कार्यक्रम में उन टीम के मुख्य चेहरों को ही शामिल किया गया है जिनकी मेहनत की बदौलत हमने आपको लगातार खबरें पहुंचाई, आपको लगातार अपडेट किया। हमारे साथ मौजूद हैं शिप्रा। शिप्रा को आपने देखा, डिबेट भी उन्होंने करवाया, कई गेस्ट उन्होंने चर्चा भी किया, आखिर क्या मुद्दे हैं जो मतदान केंद्रों पर मतदाता खींचे चले आए हैं। हमारे साथ कुमार गौतम जी हैं, ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग भी कर चुके हैं, तमाम क्षेत्रों में जा चुके हैं, मतदाताओं से बात कर चुके हैं। हमारे साथ अंशु झा भी हैं, अंशु झा ने भी लगातार कई क्षेत्रों का दौरा किया है, मतदाताओं की जो नब्ज है इन्होंने अच्छे से टटोला है। हमारे साथ नेहा है, नेहा मिश्रा, नेहा मिश्रा भी लगातार रिपोर्टिंग लगातार ये कर रहे हैं। हाँ, हमने ये कोशिश की है कि इस बार राजनीतिक जगत के किसी व्यक्ति को यहाँ न बुलाया जाए इस कार्यक्रम में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम की जो मजबूती है, जो टीम की जो मेहनत है, वो आपको दिखाई जाए, और क्या क्या परेशानियां, क्या क्या अपडेट्स इनको किस तरह से मिले हैं, और क्या किस तरह से उन्होंने जो तीसरा फेज है देखा है, ये अपने जुबान से ये बताएंगे अपने शब्दों के जरिए। चलिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको इससे पहले एक रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। इसके लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग बिहार में खत्म हो गई है। तीसरे चरण में बिहार के 5 लोकसभा क्षेत्र, जिसमें झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा व खगड़िया में मंगलवार को वोटिंग हुई है। चलिए रिपोर्ट देख लीजिए। शांतिपूर्ण संपन्न हुआ तीसरा चरण, ईवीएम में कैद हुई प्रत्याशियों की किस्मत, एनडीए महागठबंधन ने किए जीत के दावे, मधेपुरा शरद और पप्पू यादव के बीच मुकाबला, सुपौल दिलेश्वर कामत और रंजीत रंजन के बीच मुकाबला, अररिया प्रदीप सिंह और सरफराज आलम के बीच है चुनावी जंग,
खगड़िया में है त्रिकोणीय मुकाबला, झंझारपुर में रामप्रीत मंडल और गुलाब यादव के बीच मुकाबला, बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के तीसरे चरण आता है, वही समीकरण यहाँ काफी ज्यादा सक्रिय रहता है। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने यह दिखाना चाहा कि तीसरे चरण का मतदान कितना महत्वपूर्ण है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए, क्योंकि यहाँ मोदी की लहर है, एमवाई समीकरण है, तमाम ऐसी चीजें हैं जो मतदाता है तय कर सकते हैं कि अगला जो सरताज होगा यहाँ से कौन बचेगा। क्योंकि लेकिन आपको यह बता दें कि महागठबंधन की परंपरागत सीट है, एमवाई समीकरण यहाँ पर है, कोसी त्रासदी है यहाँ पर। हालांकि पिछली बार दो ऐसे क्षेत्र हैं जो बीजेपी के एनडीए के खाते में गई थी, एक एलजेपी और एक बीजेपी, लेकिन इस बार मोदी की लहर काम आएगी या फिर महागठबंधन का एमवाई समीकरण जीतेगा, इस पर चर्चा करेंगे आज हमारे साथ गौतम जी। गौतम जी, आप लगातार इन क्षेत्रों में घूमते रहे, आपने नब्ज टटोली है। चलिए, हम कौन जीतेगा ये हम लोग वो नहीं कह सकते, लेकिन किन किन मुद्दों पर यहाँ के जो मतदाता हैं मतदान केंद्र तक गए थे, हावी रहा ये मतदान? देखिए, आज जिन पांच लोकसभा सीटों पर जो जहाँ मतदान हुआ है वहाँ पर स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हैं, और स्थानीय मुद्दों की वजह से सबसे ज़्यादा उन प्रत्याशियों को भी दिक्कतें होती है, क्योंकि छोटी छोटी जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, बात चाहे सड़क की कर लें, पानी की कर लें, तो ये तमाम मुद्दे तो हैं ही। इसके अलावा जो जातिगत फैक्टर है वो इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। कोई अपनी समीकरण बनाने में जुटा है, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो इस वक्त अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चाहे लाख दावे कर लें, लेकिन जनता का जो मूड है वो ये तय करता है। जब 50% से ज़्यादा पोलिंग होती है तो ये तय हो जाता है कि जनता ने मन बना लिया है। लेकिन जहाँ तक सवाल है मुद्दों का, तो अभी भी जिन क्षेत्रों में आज जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, आपने बहुत सही कहा कि बार बार आपने कोसी शब्द और वो जो बाढ़ का शब्द जो इस्तेमाल किया है वो बहुत, ये बार बार बाढ़ यहाँ आता है। देखिए, कई प्रखंड ऐसे जो हर साल बाढ़ प्रभावित रहते हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ चुनाव भले ही 5 साल में आता हो लेकिन बाढ़ हर साल आता है, तो इनके लिए ये मुद्दा सबसे अहम रहता है कि भाई इनको बाढ़ से कौन निजात दिलाता है, कौन सी सरकार ने इनको माचिस दिया, कौन सी सरकार ने इनको चना दिया, चूड़ा दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पर, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो इनको हर साल ज़रूरत होती है और जो उस वक्त मौजूद होता है तो वो उनके लिए समर्पित होते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर वोटिंग और परसेंटेज भी आप देखें इन इलाकों में 50% से ज़्यादा हुआ है, और ये उस वक्त हुआ है जब 4 बजे 5 बजे के पहले का ये रुझान है। तो कहने का मतलब यही है कि जनता ने मूड बना लिया, मन बना लिया है। लेकिन गौतम, यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगी कि जातीय समीकरण की जो आपने बात की, तो मुझे लगता है वो ज्यादा यहाँ पर हावी है, क्योंकि यहाँ पर महागठबंधन का दबदबा रहा है, खासकर एमवाई फॉर्मूला जो है वो ज्यादा यहाँ पर काम करता है। और दो तरह की चीज है, ये एनडीए वाले जो है वो राष्ट्रवाद मुद्दा बना करके वोट मांगने जा रहे हैं, और यहाँ पे स्थानीय मुद्दे को लोग हटा करके जो वहां के लोग हैं वो ज्यादातर एमवाई फॉर्मूला यानी कि यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि महागठबंधन का जो दबदबा पहले से है वो भी इस बार कायम रह सकता है, क्योंकि 2014 में मोदी लहर भी यहाँ पर काम नहीं किया था। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत भी हूँ कि ऐसा नहीं है। नहीं, एमवाई समीकरण तो है, लेकिन पचपनिया जाति का जो समूह, 5 जातियों का जो समूह है, यह भी काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महागठबंधन में महागठबंधन जो है पूरी तरह से एकजुट नहीं है, टूटा हुआ है। सुपौल की बात कर लीजिए, वहां पे भीतर घात काफी ज्यादा, रंजीत रंजन के लिए इस बार काफी दिक्कतें होने वाली है, क्योंकि वहां के स्थानीय विधायक आरजेडी के वहां पे उसका विरोध कर रहे हैं। तो रंजीत रंजन के लिए व्यक्तिगत लड़ाई हो सकती है यहाँ पर आरजेडी से, खासकर भले ही मुकाबला एक दूसरे कामत और रंजीत रंजन के आमने सामने की हो, लेकिन रंजीत रंजन को अपने ही महागठबंधन के घटक दलों से लड़ना पड़ सकता है। क्या अंशु जी, मैं ये आप इत्तेफाक पे इन बातों से? नहीं नहीं, बिल्कुल, जिस तरह से पिछले बार की बात करें, खास करके मैं उसी एरिया से आता हूँ, चाहे सुपौल की बात करें चाहे मधेपुरा की बात करें, जहाँ तक मधेपुरा की सवाल है तो वहाँ पे पप्पू यादव आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़े थे, और उसके बाद जो जदयू तरफ से, और उस बार सब पार्टी अलग अलग थी तो उसका फायदा उनको मिला था, लेकिन इस बार वहाँ पे जो समीकरण है वो एक अलग टाइप का है। पप्पू यादव भी वहाँ है, दिनेश चंद्र यादव भी वहाँ वहाँ है, उसके बाद शरद यादव भी वहीं से हैं,
तमाम तीनों नेता कद्दावर हैं, तीनों नेता का, तो वहाँ पे वाइपर की ज्यादा दिलचस्प हो गया कि तीनों नेता यादव एक तो मधेपुरा का कौन होगा, जैसे कहावत रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, तो इस गोप कौन होगा ये कहना बहुत बिल्कुल। और यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ जो एनडीए को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सहरसा के सहरसा मधेपुरा एक होने से, मधेपुरा तो आपने सुन लिया रोम पोप का तो मधेपुरा गोप का, वहीं सहरसा है तो सहरसा एक तरह से कह सकते हैं पप्पू यादव वोट काट देंगे, हाँ वोट काट देंगे इसका दिनेश चंद्र यादव को फायदा, क्योंकि सहरसा तरफ का जो है कुछ ऐसे विधानसभा क्षेत्र जैसे महसी बोनगांव सहरसा कुछ ऐसे यादव ही जीत जाए अंशु, नहीं ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नहीं ठीक है लास्ट टाइम वो जीते थे, इनकार नहीं किया जा सकता अंशु जी की पप्पू यादव का जो बेल्ट है वो जो जनाधार है वो कितना भी कोई भी पार्टी किसी में चला जाए, गौतम मैं यहाँ पे एक चीज वो पप्पू यादव को ही समर्थन देते हैं, गौतम मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ इस माहौल को थोड़ा हल्का फुलना आता है, नेहा मिश्रा आप तो लगातार रिपोर्टिंग भी करती रही है ना जी, और यहाँ पे आपने सुबह से देखा कि क्या कुछ हुआ, आप ये बताएं कि मतदाताओं के जो मन में था क्या कुछ था, आपने देखा तस्वीरें भी देखी आपने क्या लगा? मैं आपको पहले बता दूं कि जो मतदाता जो वोट देने के लिए आए थे अब कहीं ना कहीं वो चीजों को लेकर सोचते हैं कि अगर मैं वोट देने जा रहा हूं या जा रही हूं तो मेरा मुद्दा क्या होता है। सबसे पहले वो शिक्षा एक मुद्दा होता है जो वो अपने मन में लेकर चलते हैं, रोजगारी जो मुद्दा होता है, अभी जो हमने 3 बजे जो हमने वोटिंग दिखाई उसमें बंपर वोटिंग हुई, और कहीं ना जब हमने नेताओं से पूछा अलग अलग पार्टी के जो नेता थे उनसे पूछा कि क्या मकसद था ये वोटिंग होने का, तो उन्होंने साफ कहा कि शिक्षा एक वोटिंग होना एक नेगेटिव पॉइंट भी जो उन्होंने नहीं उन्होंने ये भी बोला नेगेटिव भी और एक तरह से पॉजिटिव भी है नेताओं के लिए भी और लोगों के भी, हमने जागरूक करवाया, हम हर बार बोलते भी हैं कि अपने घरों से निकलिए, अपने घर से बाहर आइए, वोट दीजिए, वोट आपका एक वोट किसी को जीत दिला सकता है तो कोई आपका एक वोट किसी को हार दिला सकता है, तो इन सारी चीजों को बातों को रख के लोग जो है वो बाहर निकले, और शिक्षा और रोजगार ये दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं लोग अपने दिमाग में लेकर वोट डालते हैं, और खासकर अभी तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और दूसरी रोजगार जो है हमारे युवा जो है वो इस चीजों को लेकर वोट डालते हैं। रोजगार पलायन तमाम मुद्दे हैं लेकिन देखिए जब इन क्षेत्रों की बात होती है तब यहाँ पर ये मुद्दे गौण हो जाते हैं बिल्कुल, और चुनाव कर मतदान के वक्त जब ये जाते हैं तो जाति किसकी जाति से कौन खड़ा है कौन किसके वोट में सेंधमारी कर रहा है ये काफी ज्यादा अहम हो जाता है। मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, जैसे कि आप सुपौल की बात करें, सहरसा की बात करें, मधेपुरा की बात करें, मैं उस एरिया से आता हूँ, मैं वहां से वाकिफ हूँ, वहाँ पे सड़क जो NH है जो जोड़ती है आपको मधेपुरा टू पूर्णिया, वो शरद यादव वहाँ से सांसद रहे, आज तक वो सड़क का चौड़ीकरण नहीं हो पाया था, लेकिन अब जो NDA सरकार बनी है इसमें वहाँ पे काम मतलब हो गया, शुरू हो गया है काम का वहाँ पर ना, लेकिन वहाँ पे विकास से किसी को मतलब जो जहाँ तक मैं वहाँ देखता हूँ जो भी एजुकेटेड वर्ग हैं सब बाहर रहते हैं या जो भी वहाँ पे लोग हैं वो जाति वक्त जो फैक्टर है उसमें लोग हो जाते हैं, और वोटिंग का जो सही मायने में जो प्रयोग होता है जैसे कि नया ने कहा जो शिक्षा रोजगार ये सब चीज़ें वहाँ बिल्कुल गौण हो जाती है, और खास करके जब आते हैं जो हमारा सांसद कैसा हो, गौतम जी ने कहा जो पप्पू का जनाधार ठीक है, हमारा सांसद कैसा हो हमारी जाति जैसा हो क्या गौतम? हाँ बिल्कुल अभी भी उठ पाए हैं बिल्कुल, और आज का इसी कारण से पूर्णिया देखें तो बहुत आगे हो गया है, लेकिन सहरसा देखें बहुत आगे हो गया, मधेपुरा सुपौल वही तो रह गया है, तो इन सब चीजों में बातों जो है ना मतलब कहीं ना कहीं जाति का फैक्टर देखिए जागरूक तो हुआ है, युवा वर्ग जागरूक हुआ, एक खास वर्ग जागरूक है, लेकिन तमाम देखिए जो और उम्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जाति में ही आके टक जाते हैं, जाति ही जो है वहां पे मुख्य मुद्दा रहती है, और कहीं ना कहीं गलती अगर पार्टियों की है तो कहीं ना कहीं जनता को। मैं आपको बता दूं आपने जैसा कहा कि जाति में लोग अटक जाते हैं तो इसका एक मुख्य कारण मैं आपको बताती हूं, जब हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं और पूछते हैं कि बताइए क्या आप अपनी जाति को वोट देंगे तो वो कहीं ना कहीं पर ये गलती से बोल देते हैं कि अगर कोई मेरे जात का है तो शायद मुझ पर सबसे पहले ध्यान देगा, उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज होता है कि अगर वो यादव है तो सबसे पहले वो यादव के बारे में सोचेगा, अगर वो ऊंचे वर्ग का है तो उसके पैर सबसे पहले ऊंचे वर्ग के बारे में सोचेगा, जिसको लेकर जो है कास्टिज्म जो कह सकते हैं वोटिंग में इसलिए प्रभाव हो जाती है, तो कहीं ना कहीं मैं जो आप कह रही हैं कि क्या वजह रह सकती है कि लोग जो कास्ट को वोट देते हैं तो वजह देखिए भाई वजह नहीं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि समस्या किस में, समस्या पार्टियों में तो है ही, पार्टी भी ऐसे ही उम्मीदवार खड़ा करती है जो वहां पे जाति बहुल है, लेकिन जो जनता है जनता भी अपने निजी स्वार्थों के लिए उन्हीं को ही वोट करती है जो उनके जाति को होता है, इसमें चर्चा करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।
एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के पहले हम चर्चा कर रहे थे आखिर बिहार की जनता क्या चाहती है, बिहार की जनता कौन से, मिथिलांचल की जनता, जिस पर आज 5 लोकसभा क्षेत्रों में आज वोटिंग होगी। चलिए चर्चा में हमारे साथ हमारी टीम ही है, क्योंकि हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रही थी और कुछ स्टूडियो में मौजूद थे और यहाँ पर पल पल की जानकारी से आपको अपडेट करा रहे थे। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर मतदाता, हर एक मतदाता, चाहे वो महिला मतदाता हो, युवा मतदाता हो, या अधेड़ मतदाता हो, या बुजुर्ग मतदाता हो, सब तमाम लोगों की अपनी समस्याएं हैं, हर एक वर्ग की अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन मतदाता जो एक कॉमन होता है, कॉमन क्या चाहता है वो जानना चाहेंगे। शिप्रा आप बताइए कि एक मतदाता किन उम्मीदों से मतदान केंद्रों पर जा रहा है। देखिए हर एक मतदाता के तो अलग अलग प्रॉब्लम होते हैं और अलग अलग चीज़ें वो अपने सरकार से या फिर अपने उम्मीदवार से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे अगर युवा की बात करें तो उन्हें रोजगार चाहिए होता है, महिला की बात करें तो उन्हें जो भी किचन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो चाहते हैं। तो वहीं अगर बात करें हम लोग जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उन्हें अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। तो यहाँ इस बार के जो मैं आपको बता दूं मतदान फीसदी जो हुए हैं या फिर जितने वोटर्स ने वोट कास्ट किए हैं बहुत इजाफा हुआ है और काफ़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और काफ़ी महिलाएं भी बहुत उत्साहित थीं। और इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं, ऐसे बिहार की अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग पहले बात कर रहे थे कि जातीय समीकरण और ये सब चीज़ें जो हो रही थी, लेकिन अभी जो जनता भी है वो भी अब जागरूक हो गई है, उनको भी एक अच्छा देश चाहिए, विकास चाहिए, तो वो इस मुद्दों को लेकर अब वोट करने वाली है। गौतम जिस बार जो है ना काफी चुनाव आयोग की जो पहल अनोखी पहल देखने को मिली, चाहे वो सखी मतदान केंद्र को लेकर हो या आदर्श मतदान केंद्र को लेकर हो, आप भी सखी मतदान केंद्र गए थे और आदर्श मतदान केंद्र का जायजा आपने भी लिया था, क्या आपने पाया, क्या क्या अनोखी चीजें आपको वहां मिली? देखिए इस बार के लोकतंत्र के महापर्व में कुछ चीज़ें जो नई थी उसको भी जनता देखना चाहती थी और मतदाता खास करके वो देखना चाहती थी कि आखिर वो चीज़ें क्या है। बात छोटी सी है लेकिन वीवीपैट क्या है ये अगर चूंकि रिपोर्टिंग के जरिए तो बहुत सारे लोग जान जाते हैं, देख लेते हैं, लेकिन जो मतदाता घर में है उसको नहीं पता होता कि वीवीपैट क्या है, तो ये भी लोग इसको देखना पसंद करते थे। तो और दूसरा आदर्श मतदान केंद्र पर चाहे चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सुविधाएं दी गई हो लेकिन उस सुविधाओं का लाभ उठाने के बजाय उसको देखना यानी पहली झलक देखना ज़्यादा पसंद करते हैं मतदाता। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक सवाल है आदर्श मतदान केंद्र या जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं सखी मतदान केंद्र या फिर आप उसको सर्टिफिकेट दे दीजिए, लेकिन चाहे जो भी हो बिहार के अंदर जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बड़ी बनाती है। जैसे मतदान केंद्र पर बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी तो महिलाओं के आंगनवाड़ी सेविकाओं को भी लगाया गया था, फिर हेल्थ कैंप लगाए गए थे, तो ये सारी चीजें छोटी है मगर एक बड़ा मतलब कह सकते हैं शेड्स लगाए गए थे, माइल्स स्टोन साबित होगा क्योंकि वो वक्त बीत गया जब मतदाता लंबी कतारों में धूप में और घंटों लंबी कतारों में रहना पसंद करते थे। लेकिन अब का जो न्यू जनरेशन है वो सोशल मीडिया का है तो सोशल मीडिया के जरिए आज के डेट में अगर उसका बस चले तो सोशल मीडिया के जरिए वोट कास्ट करें, है ना, तो ये एक अहम चीज़ है। लेकिन इस सोशल मीडिया को समझते हुए इलेक्शन कमीशन ने कुछ चीज़ों का जो पहल किया है वो बहुत खूबसूरत है और यही लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर कह सकते हैं जिसको देखने के लिए भी न सिर्फ युवा बल्कि खास करके महिलाएँ घर से बाहर निकली हैं, तो ये एक अच्छा है। और हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ज़्यादातर मतदान केंद्रों पर जैसे कि खगड़िया में 17-14 यानी कि 1714 मतदान केंद्र बनाए गए थे तो महज चंद मतदान केंद्र ही ऐसे होते थे जहां पे उन तमाम वोटरों को ये सारी चीज़ें मिल पाती थी, लेकिन आज भी सुदूर इलाकों में ग्रामीण इलाकों में मतदान केंद्र की वही व्यवस्था है, उसको जल्द से जल्द अगर आने वाले कुछ इलेक्शंस में अगर दूर कर लिए जाएँ तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से हर इंसान घर के अंदर के माहौल को जीना पसंद करता है ठीक वैसे ही इस लोकतंत्र के महापर्व में मतदान के दौरान भी महसूस करें तो और भी बहुत कह सकते हैं कि सहज हो जाएगा, बहुत सरल हो जाएगा, तो ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है कि इसको लेकर भी एक उत्साह है लोगों के मन में। लेकिन जहाँ तक सवाल है मुद्दों को लेकर जो आपने पूछा था तो वो मुद्दा आज भी बिहार के अंदर मतलब कह लें कि जातिगत से ऊपर नहीं उठ पाए हैं, बात चाहे प्रत्याशी की हो, पार्टी भी चाहती है कि
वो अपने जातिगत समीकरण के आधार पर ही अपने प्रत्याशी को खड़ा करे तो और मतदाता भी यही चाहते हैं। बिहार में नहीं है ये, प्रत्येक जगह है। नहीं लेकिन बिहार के अंदर ज्यादा है, बिहार में ज्यादा है। बिहार में आज शुरुआत में 1952 में ऐसी तस्वीरें नहीं थी, ये जब से 30 सालों में विगत 30 सालों में ऐसी तस्वीरें, जातिगत समीकरण जो है और काफी मजबूत हुआ यहाँ पर टूटने के बजाय। जबकि अन्य राज्यों में देखिए, आप अन्य राज्य देख लीजिए, महाराष्ट्र देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, यहाँ पर टूटी हैं, ऐसी वर्जनाएं टूटी हैं, लेकिन बिहार और यूपी में यहाँ मजबूत हुई हैं। ये तंत्र जो है और मजबूत हुआ है जाति का। अब कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड में उत्तराखंड में हिमाचल में जब सीएम का नाम तय होना था तो पूरा ये खंगाला जा रहा था जो कौन सीएम कौन से बिरादरी के किस टाइम बने थे। अंत में जब मोहर लगा तो मतलब ये चीजें मैं कहना चाहता हूँ जो सब जगह होती है, यहाँ भी हो रही है, लेकिन मुद्दों की बात करें, प्रेशर होता है जाति का, लेकिन वो इतना मुद्दा हावी नहीं होता जितना बिहार और यूपी में होता है, खासकर बिहार में। नेहा, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार का स्लोगन पहले मतदान और फिर जलपान, यह खासकर महिलाओं के लिए, तो महिलाएं इसको इस स्लोगन को लेकर कितना प्रासंगिक रही, क्या लगता है? मंजू मैं आपको पहले बता दूं कि महिलाओं की जो संख्या थी आज सुबह में जो वोटिंग करने के लिए जो महिलाएं गई थी वो कम गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने घरों के कामों में बिजी थी। पहले जलपान फिर जी बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना हम भारत जैसे देश में रहते हैं जहां परिवार सबसे पहले आता है, ये आपको भी पता है, महिलाएं जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ें रखती हैं अपनी ज़िंदगी में वो अपने परिवार को रखती हैं। तो जब हमने उनसे पूछा कि इतना लेट क्यों हुआ वोट देने में, तो वो सबसे पहले यही बोली कि बच्चे हैं घर में और हमारे पति हैं, सास ससुर हैं या मम्मी पापा हैं, उनके लिए हम पूरा खाना पीना नाश्ता पूरे घर के काम करके पूरे घर का काम जो है वो खत्म कर लेंगे, उसके बाद हमने सोचा कि आराम से वोट देने के लिए जाएंगे। इसी वजह से कहीं ना कहीं महिलाओं में आज सुबह में जो कह सकते हैं आंकड़े भी जो थे वो महिलाओं के इतनी ज्यादा नहीं थे, कारण यही था क्योंकि वो अपने घर के पूरे काम निपटा के उसके बाद घर से बाहर निकली और वोट देने के लिए आई। गौतम, आपने दूसरे चरण की रिपोर्टिंग की थी लेकिन वहां पर तो पहले मतदान पहले जलपान का स्लोगन आप ही चरितार्थ कर रहे थे, आपने दिखाया भी था कैसे महिलाओं की लंबी लाइन थी, याद होगा आपको। तो ये शहरी क्षेत्र का, अगर शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में यही चीजें बदल जाती है, स्थितियां और परिस्थितियां दोनों बदल जाती है। शहरी क्षेत्र की बात करें तो लोग मॉर्निंग वॉक अपने हस्बैंड के साथ अपने फैमिली के साथ भी ज़्यादातर लोग करते हैं, तो सुबह के समय में ही निकल जाते हैं और घूमते टहलते आते हैं और वोटिंग करके चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं घर का खाना बनाती हैं, उसके बाद बच्चों को तैयार करती हैं, तब जाके मतदान करती हैं। लेकिन शहरी क्षेत्र में एक कमी भी है, शहरी क्षेत्र में कमी ये है कि अगर थोड़ा सा लेट हो गए तो फिर पूरा दिन जो है टीवी देखने में भले बिता दे लेकिन वोट कास्ट नहीं करते, और ज़्यादातर घर के लोग तो दूसरे जगह पे रहते हैं, तो यही वजह है कि जो प्रतिशत वोटिंग जो नहीं होती है उसका कारण यही है कि आज भी हमारे सभ्य समाज में चाहे बात कितनी भी कर लें कि हाँ वोट करना चाहिए, हम लोग फिंगर भी दिखाते कि ऐसे, लेकिन वो सब सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि आज भी सभ्य समाज के लोग ही वोटिंग नहीं करते। ज़्यादातर लोग सभ्य समाज के जो लोग एलिट क्लास के कहे जाते हैं, पढ़े लिखे कहे जाते हैं, उनके अंदर है कि मेरे वोट करने से क्या होगा, चलो। लेकिन गौतम, मैं आपको रुकना चाहूंगी बीच में भी, क्योंकि जैसे कि हम सब जानते हैं शहर में हम लोग रहने लगे हैं तो बहुत ज्यादा रिजर्व रहने लगे हैं, हम सब जानते हैं बगल पड़ोसी से कोई मतलब ज्यादा होता नहीं हमें कि बगल में क्या हो रहा है, लेकिन गांव में ये अभी तक नहीं चला आता है। महिलाएं जो बगल पड़ोसी से मतलब ना हो लेकिन टीवी से मतलब होता है, टीवी पे तमाम चीजें आती रहती है। जैसे कि गौतम बोल रहे हैं 14 सीटों पर मतदान हो गया है, 26 सीटें बाकी है बिहार की, ये 14 सीट क्या 26 सीटों की रूपरेखा तय करेगी? बिल्कुल, एक तरह से ये हम ये कहें जो ये जो फेज हुआ आज का जो चुनाव हुआ और बाकी जो हुआ है ये कम से कम दशा के लिए और दिशा दिखाने के लिए दोनों तय हो चुकी है। अब इसमें जो उम्मीदवार है उनका भाग का फैसला इसके अंदर ईवीएम के अंदर है, तो ये कह सकते हैं जो अब जो चुनाव होने वाला है और मतलब एक मीट पॉइंट इसको हम लोग रख सकते हैं मंजूरी जी। और लेकिन सबसे जो मुख्य जो आप जो मुद्दे की जो बात कर रहे हैं बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि महागठबंधन में भी जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ कांग्रेस को शुरू में तो मुद्दा भी तो अब मुद्दों पर तो मतदान भी हो गए इन लोकसभा क्षेत्रों में, यानी कि 14 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए, 82 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो कैद हो गई है। चलिए, वक्त चला है यहाँ पे इस कार्यक्रम के खात्मे का, लेकिन आपको बता दें कि तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया है और 60% मतदान की बात सामने आ रही है जो उत्साहवर्धक है चुनाव आयोग के लिए और तमाम मतदाताओं के लिए, खासकर पार्टियों के लिए जो उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी ही पार्टी इस बार ताबड़तोड़ जीतेगी और अगर जो दूसरी पार्टी है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो इस खास कार्य में फिलहाल इतना ही, तमाम गेस्ट के शुक्रिया जो हमारे साथ बने हुए थे, नमस्कार।